मुझे खुशी होती कि आज मैं ओलपाड़ आया होता, आप सबके बीच में होता तो मुझे आनंद और आया होता। लेकिन आप लोगों ने मुझे ऐसा काम दिया है कि मैं अब आप लोगों के बीच उतना आ नहीं पाता हूं, लेकिन फिर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको मिलने का मौका मिला, कुछ परिवारों से बातचीत करने का मौका मिला, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेघा मेडिकल कैंप ये अपने आप में कल्पना ही बहुत बड़ी है। एक साथ हजारों लोगों की जांच और मुफ्त इलाज की योजना, मैं मानता हूं कि लोगों को जोड़ना, ये सेवा भाव, सेवा का इतना बड़ा पवित्र काम, मैं जितनी बधाई आप सबको दूं उतनी कम है। गरीब से गरीब के आरोग्य की इतनी चिंता करना, सरकार की योजनाओं से कोई छूट न जाए इसके लिए विशेष कैंप लगाकर प्रयास करना, इसके लिए मैं मुकेश भाई को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और देखिए, आरोग्य में जब सेवा करते हैं तो कितने आशीर्वाद मिलते हैं। अभी मैं कंचन बहन को सुन रहा था, उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ, किडनी में से पत्थर की उनकी तकलीफ थी, लेकिन आज वो कितने आशीर्वाद दे रही थी। तो आज जो आज आरोग्य का कैंप आप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद पूरे गुजरात के काम आने वाले हैं। सेवा के ऐसे कार्यों में भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरी सरकार और सीआर पाटिल के नेतृत्व में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव से काम कर रहा है। यही सेवा भाव, यही सद्भावना जिसको गुजरात की जनता का बार बार आशीर्वाद मिलता है, प्यार और स्नेह मिलता है। आज इस मेडिकल कैंप में भी भाजपा के प्रति गुजरात के लोगों का ये स्नेह है, मैं दूर दूर तक देख रहा हूं यहां टीवी पे, मेरी नजर जहां पहुंचती है लोग ही लोग हैं। भाइयों और बहनों, मैं अक्सर सूरत की सद्भावना, सूरत के लोगों के सामर्थ्य, सूरत के लोगों की इच्छा शक्ति की बात करता रहता हूं। अने आपड़ो सूरती लालो एटले पछी पूछवानुं छूं।